24 घंटे में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं और इसी कड़ी में एमपी कांग्रेस को भी दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर है आज की। कांग्रेस के सभी पदों से दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है और अब बहुत प्रबल संभावनाएं कि दीपक सक्सेना भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको जानकारी दे दे कि थोड़ी ही देर में दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और दीपक सक्सेना भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दीपक सक्सेना का जाना ना केवल कांग्रेस के लिए झटका होगा बल्कि सबसे बड़ा झटका ये पर्सनली कमलनाथ के लिए है, क्योंकि दीपक सक्सेना बहुत ज्यादा करीबी हैं कमलनाथ के और ऐसे में अब दीपक सक्सेना का नाथ से दूर होना उन्हें पर्सनली एक बड़ा झटका देने जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है दीपक सक्सेना जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कई नेता आज भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। बड़ी टूट, लगातार कांग्रेस में यह सिलसिला बदस्तूर चल रहा है और अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस आखिर कब अपने कुनबे को संभालेगी, क्योंकि कुनबा अब बिखर चुका है। अब जरा जल्दी से आपको बता देते हैं, दीपक सक्सेना का पार्टी छोड़ना, कांग्रेस से इस्तीफा देना, आखिर इसके मायने क्या है? दीपक सक्सेना कांग्रेस छोड़ने के उनके मायने क्या है, ये जरा आपको जल्दी से बताते हैं। बेटे अजय सक्सेना के भविष्य की चिंता उन्हें निश्चित तौर पर सता रही होगी और छिंदवाड़ा में कांग्रेस का जो घटता हुआ जनाधार है वो एक वजह हो सकता है। खुद के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी आशंकित थे बेटे अजय सक्सेना के भविष्य की चिंता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस से कई सीनियर लीडर, और आपको जानकारी दे दे दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा का एक बड़ा नाम है। छिंदवाड़ा में एक तरह से ये कहा जाए कि कमलनाथ के उन्हें आप राइट हैंड कह लीजिए, कमलनाथ के आंख नाक कान कह लीजिए, बहुत करीबी, दिल के बहुत करीबी दीपक सक्सेना को माना जाता है। प्रोटेम स्पीकर वो रह चुके हैं, पूर्व विधायक वो रह चुके हैं और उनका पार्टी से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में बड़ा झटका, लेकिन इसके साथ ही कमलनाथ के लिए भी एक बड़ा झटका है। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, हर 24 घंटे में सिलसिला लगातार चल रहा है, अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि पार्टी अपने कुनबे को संभाल ले, क्योंकि बदस्तूर ये दौर जारी हो चुका है। अब ऐसे में दीपक सक्सेना का पार्टी से इस्तीफा देना, उनके बेटे अजय सक्सेना का बीजेपी में थोड़ी देर में शामिल होना, सर ना केवल कांग्रेस के लिए झटका बल्कि पर्सनली कमलनाथ के लिए एक बहुत बड़ा झटका। देखिए 2024 का चुनाव बड़े रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ रही है। वैसे 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास रही है, पर 29 भी सीट बीजेपी के पास नहीं आई, एक बार छोड़ दिया जाए। पर इस बार बहुत अलग तरह की रणनीति, इसीलिए कैलाश जी जैसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई जो पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अब जिस तरह से एक मनोबल गिराया जाए, जिसे कहा जा सकता है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और सामने वाले विपक्ष का गिराना, या ऐसी रणनीति चलना जिसमें विपक्ष के लोग हमारे साथ आ जाए। दीपक सक्सेना एक ऐसी शख्सियत है खासकर छिंदवाड़ा की, जो लगातार कमलनाथ के एक तरह से कहा जाए तो दाहिने हाथ कहे जा सकते हैं। पहले पीएचई मंत्री रहे हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां संभाली है, और 2018 के चुनाव में जब वो जीत कर आए, विधायक बने, तो उन्होंने ही अपनी कुर्सी छोड़ी कमलनाथ जी के लिए, जहां से वो चुनाव लड़े, बाद में कमलनाथ विधायक बने। तो निश्चित रूप से दीपक सक्सेना और उनके बेटे अजय सक्सेना भारतीय जनता पार्टी में जाने की हलचलें बड़ी तेज है। कहा यह जा रहा है करीब 4 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज छिंदवाड़ा में वो अकेले नहीं बल्कि बड़ा झटका लग सकता है। शरद जी लगातार वहाँ बने रहे और बीते 2-3 दिनों से, तो मुझे लगता है वहाँ की तमाम तरह की आमो हवा को भी समझा होगा राजनीति क्या कह रही है इस समय, और 2024 का चुनाव कमलनाथ की दृष्टि से कितना अलग है शरद जी, जब जमीन पर देखते हैं, क्योंकि उनके ही लोग उनके पास से जा रहे हैं। देखिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा अंग्रेज़ों के समय हमने देखा या मुग़लों के समय भी देखा, कि अगर किसी बहुत ताकतवर किसी राजा को आपको कमज़ोर करना है तो आप क्या करते थे, आप उसके करीबी लोगों को एक एक करके तोड़ते थे कि इसके बाद ये गद्दी आपकी होगी, इसके बाद आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कुछ यही कोशिश छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का उसी तरह का नेटवर्क है मनोज, जिस तरह का बीजेपी का पूरे मध्य प्रदेश में है, और यही वजह है कि बीजेपी की टक्कर वहाँ कांग्रेस के मजबूत संगठन से होती है, और उस मजबूत संगठन को कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि कमलनाथ जी के एक एक करके सारे लोग जो हैं, खासतौर से जो चुनाव की लड़ाई लड़ते हैं, जो चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं, उनको आप तोड़कर बीजेपी के पास ले आइए, तो काम कौन करेगा फील्ड में? फिर
फील्ड में काम करने वाला कौन होगा? अगर 7 विधायकों में से फर्ज कीजिए, अभी वो स्थिति नहीं है, 2-3 विधायक भी आ जाते हैं कमलनाथ जी के, तो जो हमने पिछली बार 36-37 हज़ार की लीड कांग्रेस की छिंदवाड़ा में 19 में देखी थी, वो घट के कहाँ तक चली आएगी? तो ये बहुत सोची समझी एक रणनीति है जिसको बीजेपी के चाणक्य सोचते हैं दिल्ली में, फिर बीजेपी के नंबर 2 चाणक्य सोचते हैं मध्य प्रदेश में, कैलाश जी जैसे दिग्गज को झोंक रखा है आपने जो महाकौशल क्लस्टर के प्रभारी हैं, तो बहुत दिलचस्प इस समय शतरंज पर चालें छिंदवाड़ा में चली जा रही हैं। एक एक करके सबसे ताकतवर राजा को कमजोर किया जा रहा है और धीरे धीरे वहाँ अपनी जमीन तैयार की जा रही है। एक चर्चा चली, दीपक सक्सेना ने ये कहा कि मैं कह रहा हूँ कि कल आपको एक बड़ी खबर आएगी, जब कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा से निकले थे दिल्ली के लिए और वही उनके सबसे बड़े सिपाही सलार थे, उन्होंने खुद कह दिया था, पर उम्मीदें ये बन गई थी शायद कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे। 2 दिन पहले ही आपके साथ कैलाश जी ने बड़ा खुलासा कर दिया कि हम नहीं चाहते थे, और उसके बाद दीपक सक्सेना यहाँ आ जाते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में, आपको याद होगा भागीरथ की बात करें या फिर उदय प्रताप की बात करें, ऐसा कुछ तो नहीं दिख जाएगा छिंदवाड़ा? नकुलनाथ जी से जो मेरी बात हुई 1 दिन पहले यानी बुधवार की सुबह, तो वो बहुत नाराज़ थे इस बात से कि मीडिया ने इन खबरों को कैसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन में जाके प्ले किया। वो ये मानने तैयार नहीं थे कि हमारी कहीं कांग्रेस में जाने की तैयारी थी। उन्होंने बहुत जोर देकर ये भी कहा कि कमलनाथ जी जब जा रहे थे भोपाल होते हुए दिल्ली, तो उन्होंने छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पर यह कहा था कि नकुलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो ये मानने तैयार नहीं थे कि बहुत ज़्यादा क्लियर एक नज़रिया इस मामले पर शुरू से नहीं रखा गया, लेकिन राजनीति है मनोज, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैंने भी उनसे लाइटर वेन में ये बात कही, मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आगे कभी कुछ परिवर्तन हो जाए तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उससे बहुत नाराज़ थे, बहुत क्षुब्ध थे कि खबरें जिस तरह से गई हैं। लेकिन इतना तय है कि अब रणनीति बीजेपी की ये है कि आप नहीं हैं हमारे साथ तो आपके लोग हमारे साथ हों और फिर हम आपको कमज़ोर कर दें, जैसे किसी की ज़मीन के नीचे से आप कालीन खींच लेते हो वो गिर जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी अब बीजेपी की वहाँ दिखती है मनोज। बिल्कुल, और जिस तरह जया कालीन खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, शाम को 4-4:30 बजे जब दीपक सक्सेना यदि यहाँ पहुँचते हैं, अजय सक्सेना तो आ रहे हैं मेरी जानकारी में है, और करीब करीब 50 के लगभग लोग आ रहे हैं, उसमें कोई और बड़ा नया चेहरा दिख जाए तो इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। इंतज़ार कीजिए, पर कालीन खींचने की तैयारी शुरू हो गई है और वो खिस्ती चली जा रही है। निश्चित तौर पर सर, कमलनाथ जहां पर सबसे बड़ा प्रभाव है नाथ परिवार का, एक मजबूत भवन, लेकिन बीजेपी अब उसकी नींव पर लगातार वार कर रही है और इसीलिए लगातार झटके पर झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद।